डिफिकल्टी। ठीक है सर। मान्यवर, मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं? जो 10 करोड़ रेड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं, आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे, आदिवासियों, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार के कहना चाहता हूं, मान्यवर अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट, नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर, 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 मैं तो ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता, आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए, नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए।